पिछले 20 साल में दिल्ली एनसीआर ने जहां कई क्षेत्रों में तरक्की की है, वहीं हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप के मामलों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। एम्स के एक अध्ययन के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के शहरी क्षेत्रों में हाई ब्लड प्रेशर 1.5 गुना और ग्रामीण इलाकों में 2.5 गुना बढ़ा है। चिंता की बात यह है कि युवाओं में उच्च रक्तचाप तेजी से बढ़ रहा है। शहरी इलाकों में हमने देखा कि 2 से 5 में से 2 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर था और जो गैर शहरी इलाके थे उनमें 35 साल से ऊपर के लोगों में ये स्टडी की गई, 4 में से 1 जने को हाई ब्लड प्रेशर था। और चिंता की विषय ये थी कि ये ब्लड प्रेशर महिलाओं में भी उतनी ही प्रचलन थी जितना पुरुषों में था। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको आगे चल के 5 साल 10 साल बाद अगर हम इसका सही तरह से कंट्रोल ना करें तो हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक जिसको हम कहते हैं लकवा या किडनी फेलियर हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इसके बहुत ज्यादा लक्षण नहीं होते हैं, इससे बचाव करके ही कई बीमारियों से बचा जा सकता है। एम्स का अध्ययन बताता है कि शहर के 2 में से 1 को और गांव में 3 में से 1 लोग को पता था कि वो उच्च रक्तचाप के शिकार हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में 2/3 लोगों को पता ही नहीं था कि उन्हें उच्च रक्तचाप है। यही वजह है कि केंद्र सरकार 100 जिलों में सभी लोगों की जांच कराने वाली है ताकि उनके बीमारी का पता लगाया जा सके। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD News, दिल्ली।